नेचर बहुत ही सुंदर होता है और साथ में ये बहुत ही भयंकर भी होता है। मदर नेचर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ये जितना सुंदर दिखने में है उतना ही खतरनाक हो जाती है। अर्थक्वेक से लेके सुनामी तक, यहाँ तक के टॉर्नेडो से लेके साइक्लोन तक, सब कुछ इसका पार्ट है। ये सब जब होता है तब कोई बचने का चांसेस भी बहुत कम हो जाता है इंसान के लिए। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे ही 5 नेचुरल डिजास्टर मूवी के बारे में जो देखने के बाद आपका दिमाग हिल जाएगा। तो वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नंबर 5 पे जो मूवी मैंने रखा है वो है इनटू द स्टॉर्म। 2014 में रिलीज हुई ये एक बहुत ही खतरनाक नेचुरल डिजास्टर मूवी है जहां पर टॉर्नेडो का उत्पात दिखाया गया है। यहां पर दिखाया जाता है एक शहर में बहुत सारा टॉर्नेडो एक साथ हिट करता है और वहां पर एक टीम रहता है जो टॉर्नेडो के ऊपर रिसर्च करता है, और एक और फैमिली दिखाया जाता है जो कि स्कूल के प्रोफेसर रहते हैं और वो लोग अपना फैमिली कैसे सर्वाइव करते हैं पूरा मूवी में दिखाया जाता है। मूवी को लास्ट तक देखना, मूवी बहुत ही थ्रिल देती है और आपको टॉर्नेडो देखने में भी बहुत मजा आएगा। तो मूवी को देखो और मजा लो। नंबर 4 पे जो मूवी है वो है ग्रीनलैंड। ये 2020 में रिलीज हुई एक बेहतरीन जेरार्ड बटलर का मूवी है जहां पर दिखाया जाता है कि पृथ्वी में फिर से कॉमेट्स का बरसात शुरू हो जाता है और इस बार इतना बड़ा कॉमेट आ रहा है कि वो प्लेनेट किलर है, यानी पृथ्वी को पूरा तबाह कर सकती है। इसी के चलते गवर्नमेंट ने अनाउंस कर देता है कि कुछ गुने चुने लोग को वो लोग लेके जाएंगे ग्रीनलैंड में, जहां पर वो लोग एक शेल्टर बनाया है और वहां पर उनको सेव करके रखेंगे। हर एक इंसान के पास ऐसा मौका नहीं रहता है जो वहां पर जा सकता है, बस गिने चुने लोग ही जा सकते हैं जो गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किया है, और उनमें से जेरार्ड बटलर का फैमिली भी रहता है। वो लोग कैसे अपने घर से वो ग्रीनलैंड वाले शेल्टर तक पहुंचते हैं और उसके बीच में क्या होता है उनके जर्नी में, सारा कुछ इस मूवी में दिखाया गया है। मूवी बहुत ही अच्छा है, आप चाहो तो एक बार देख सकते हो। उसके बाद जो मूवी आता है वो है सैन एंड्रियास। ये 2015 में रिलीज हुआ रॉक भैया के एक बहुत ही अच्छा नेचुरल डिजास्टर मूवी आप कह सकते हो, जहां पर दिखाया जाता है कि एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक सैन एंड्रियास में हिट करता है और उसके चलते सुनामी भी होने का चांसेस हो जाता है और पूरा शहर ऑलमोस्ट डूब जाता है। अब इस चक्कर में रॉक भैया का फैमिली कैसे उसमें सर्वाइव करते हैं और उसके साथ ज्वाइन करते हैं एक और साइंटिस्ट जो कि इस अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट कर चुके थे, तो ये लोग कैसे पाते हैं या अर्थक्वेक के चलते वो लोग मर जाएंगे, ये मूवी में दिखाया गया है। मूवी लास्ट तक देखना, मूवी बहुत ही मजा देती है। नंबर 2 पे जो मूवी है वो है द डे आफ्टर टुमारो, जो कि 2004 में रिलीज हुआ था, और ये मूवी में जेक गिलेनहल आपको नजर आएंगे। इस मूवी में दिखाया जाता है कि अचानक से वेदर चेंज होने के कारण पूरे दुनिया में आइस एज का शुरू हो जाता है, यानी पूरा दुनिया बर्फ से ढक जाता है, और इसी के चलते जेक गिलेनहल और उसके फादर साहब कैसे उस आइस एज को सर्वाइव करके सेफ्टी तक जाते हैं और कैसे रास्ते में उनको और भी बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर का सामना करना पड़ता है, साथ ही में वहां पर रास्ते में उनको और भी लोग सर्वाइव करने के लिए जो जूझते रहते हैं उनको मदद करना भी उनको पड़ता है। तो ये सब मूवी में दिखाया गया है। मूवी बहुत ही अच्छा है, आप चाहो तो एक बार देख सकते हो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक नंबर पे है द इम्पॉसिबल। 2012 में रिलीज हुई ये नेचुरल डिजास्टर मूवी एक ट्रू इवेंट के ऊपर बेस्ड है। 2004 में हुई सुनामी जो इंडियन ओशन में हिट किया था उसी के ऊपर बेस्ड करके ये स्टोरी लिखा गया है। इसमें दिखाया जाता है कि एक फैमिली जो कि हॉलीडे ट्रिप में थाईलैंड जाते हैं और उसी वक्त सुनामी अटैक हो जाता है और इस सुनामी के चलते उनका पूरा फैमिली इधर उधर हो जाता है। अब कैसे ये सुनामी सर्वाइव करके एक साथ होते हैं, कैसे उनको वहां पर करने का चांसेस मिलता है, क्या क्या होता है, सारा कुछ इस मूवी में दिखाया गया है। मूवी में टॉम हॉलैंड नजर आते हैं जो कि एकदम बच्चे रहते हैं। मूवी काफी अच्छा है, मूवी जाके आप देख सकते हो। ये मूवी बहुत ही बढ़िया है, आपको बहुत ही मजा आएगा।
तो गाइस ये थे 5 फिल्म जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है नेचुरल डिजास्टर में। और अगर आप नेचर के फैन और नेचर का ब्यूटी और डिजास्टर दोनों देखना चाहते हो तो ये 5 मूवी आपके लिए है। बहुत ही मजा आता है ये मूवीज देखने में, आप जाके देखो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको अगर और भी कोई नेचुरल डिजास्टर मूवी ज्यादा पसंद है तो मुझे लिस्ट में जरूर देना, तो मैं अगले वीडियो में वो लिस्ट डालूंगा। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय फॉर नाउ।